Friends, today we will discuss very important lecture of scoliodon. That is a cartilaginous fish. That is a bit of shark. It is scoliodon, the dog fish. प्यारे बच्चों, strictly the lecture for competitive exams. जितने ही बच्चे नीट वाले सिविल सर्विसेज वाले बेटे ध्यान रखें, जितने भी बच्चों हमने कहा कि कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के लिए हम सारे सब कुछ लेक्चर डाल रहे हैं, जितने बच्चों नोट्स हैं उन सब की पीडीएफ फाइल हमने बच्चों वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, सभी बच्चे डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, स्कोलियोडोन आज उसकी इंट्रोडक्शन देंगे बच्चों, और स्कोलियोडोन द डॉग फिश, नाम से इंडिकेट हो रहा है बच्चों द डॉग फिश, इसका मतलब द एनिमल अटैक्स ऑन ए प्रे लाइक ए डॉग, द स्कोलियोडोन इट इज शार्क फिश की बात कर रहे हैं बच्चों, द कार्टिलेजिनस द कॉन्ड्रिक्थीस, इससे पहले बच्चों हमने डिस्कस किया है द बोने फिश द लेबियो द ओस्टिक्थीस। आज बच्चों कंपटीशन वाले बच्चों के लिए लेक्चर दे रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली बी केयरफुल। आज जो लेबियो जो बोने फिश और ये जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों स्कोलियोडोन द कार्टिलेजिनस फिश, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे बच्चों। फिश कैसा दिख रहे हैं बच्चों, इलॉन्गेटेड बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी, द एंटायर बॉडी ऑफ स्कोलियोडोन दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ये दिख रहे हैं बच्चों हेड रीजन, मिडिल पार्ट इज ट्रंक रीजन एंड दिस लास्ट पोस्टीरियर पार्ट इज टेल रीजन। हेड रीजन क्या दिख रहे हैं बच्चों, हेड रीजन एंटीरियर पार्ट विच इज पॉइंटेड फ्रंट रीजन में दिख रहे हैं, इट इज नॉट ऑन हेड रीजन पे, ये देख रहे हैं बच्चों डॉर्सल वेंट्रल दोनों तरफ सम पोर्स आर दी, कहा एम्पुलरी पोर्स डॉर्सल रीजन पे भी वेंट्रल रीजन पे भी। हर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन सेट होना है बच्चों द कार्टिलेजिनस फिश द स्कोलियोडोन द शार्क बच्चों द कॉन्ड्रिक्थीस, उसका हेड रीजन एंटीरियर पार्ट उसके डॉर्सल वेंट्रली दोनों रीजन पे बता रहे बच्चों, both sides some pores are there on head region, these are ampullary pores and these pores lead into swollen chambers named ampulla of Lorenzini। kya kaha bachcho, uska head region uske dorsal ventral dono taraf several pores are there, these are ampullary pores and these pores lead kar rahe into some swollen chambers, these are ampulla of Lorenzini। क्या डिटेक्ट करेंगे बच्चों, these ampulla of Lorenzini are sensitive to temperature fluctuations in water। नोट करें बच्चों, नोट करें एक एक पॉइंट को नोट करें, कंपटीशन के लिए एक एक लेक्चर दे रहे आज, क्या कुछ बता रहे हैं हेड रीजन ampullary pores, कहां बता रहे हैं which lead into ampulla of Lorenzini, किसके लिए बच्चों टेम्परेचर फ्लैक्चुएशंस को डिटेक्ट करना है, ठीक है। हमने कहा कि हमने बोने फिश उसको भी दिमाग में रखना है, द लेबियो द ऑस्टिक्थीस, आज बच्चों कार्टिलेजिनस फिश द कॉन्ड्रिक्थीस, इन केस ऑफ स्कोलियोडोन द डॉग फिश, ये देख रहे हैं बच्चों माउथ इज वेंट्रल, वेंट्रल साइड में ये देख रहे हैं बच्चों माउथ इज वेंट्रली, बट इन केस ऑफ बोने फिश द माउथ इज फ्रंट रीजन में टर्मिनल सब टर्मिनल माउथ इज देयर, उसका पोस्टीरियर रीजन टेल देखे तो बच्चों ऑन दिस टेल द फिन द कॉडल फिन, इन केस ऑफ बोने फिश द लेबियो हमने कहा द कॉडल फिन वाज सिमेट्रिकल दैट वाज होमो सर्कल, कॉम्पिटिशन वाले बच्चों इन केस ऑफ स्कोलियोडोन इन केस ऑफ कॉन्ड्रिक्थीस, आज बच्चों कॉडल फिन देख रहे हैं इट इज एसिमेट्रिकल, इट इज नॉट होमो सर्कल इट इज हिट्रो सर्कल, एक एक पॉइंट नोट करें, हेड रीजन पे क्या काम ने एम्पुलरी पोर्स आर दियर, कहाँ लीड कर रहे हैं बच्चों एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, किसके लिए सेंसिटिव बच्चों टेम्परेचर फ्लैक्चुएशंस को डिटेक्ट करें, ये बॉडी के ऊपर देख रहे हैं बच्चों, ये देख रहे हैं लाइन देख रहे हैं इट इज लेटरल लाइन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, टेल रीजन की बात करते हैं बच्चों वहां बता रहे हैं हम ऑन दिस कॉडल रीजन द फिन that is asymmetrical that is heterocercal but in case of labio in case of bony fish bilkul bachcho symmetrical
द कॉडल फिन दैट इज होमोसर्कल. एंटायर बॉडी दैट इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स. दिस एंटीरियर पार्ट इज हेड, दिस मिडल लार्जेस्ट पार्ट इज ट्रंक, एंड द लास्ट पार्ट इज टेल. फिर देखें बच्चों, ये कुछ अपन डिजीज देख रहे हैं. ऑन डोर्सल रीजन ये देख रहे बच्चों, ए पेयर ऑफ डोर्सल फिन्स आर देयर. दिस इज फर्स्ट डोर्सल फिन, लार्ज साइज की देख रहे हैं, और इट इज एंटीरियर डोर्सल फिन. ये देख रहे बच्चों, इट इज डोर्सल रीजन पे स्मॉल पोस्टीरियर डोर्सल फिन, और बच्चों इट इज सेकेंड डोर्सल फिन. वेंट्रल साइड पे देख रहे बच्चों, क्या देख रहे हैं, ए पेयर ऑफ पैक्टोरल फिन एंड ए पेयर ऑफ पैल्विक फिन्स. बट इन केस ऑफ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहां देख रहे बच्चों पैल्विक फिन, उसके ऊपर देख रहे कोई रोड लाइक स्ट्रक्चर इज देयर. इन केस ऑफ स्कोलियोडोन, इन केस ऑफ मेल स्कोलियोडोन, द पैल्विक फिन्स, ए पेयर ऑफ पैल्विक फिन्स पोजेसेस, ये देख रहे बच्चों, एक फिन के ऊपर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल रोड लाइक स्ट्रक्चर. इसका मतलब ए पेयर ऑफ पेल्विक फिन्स पोजेसेस टू ए पेयर ऑफ रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर क्लास्पर्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिशन वाले बच्चे, ए पेयर ऑफ क्लास्पर्स ऑन दिस पेल्विक फिन, एंड दीज क्लास्पर्स आर मिक्जो टैरिजियम. दीज आर कॉपुलेटरी ऑर्गन of male scoliodon. It means in case of scoliodon, both sex are separate. The animal is voracious feeder. It is carnivorous. It attacks on prey, smaller fishes ke upar, bachcho mollusks ke upar, lobster wagera pe. Like a dog, it attacks on prey. That's why animal is voracious feeder. It is carnivorous. It is dog fed. फिर देख रहे बच्चों, ए पेयर ऑफ पैक्टोरल फिन्स, ए पेयर ऑफ पैल्विक फिन्स, पैल्विक फिन के ऊपर देख रहे हैं, ए पेयर ऑफ रोड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर क्लास्पर्स विच आर मिक्जोटैरिडियम, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ मेल. ये देख रहे बच्चों, पोस्टीरियर रीजन के अंदर वेंट्रल साइड के अंदर, इट इज मीडियन वेंट्रल फिन और इट इज एनल फिन. इन अपर रीजन डोर्सल रीजन ए पिट इज देयर, इट इज डोर्सल कॉडल पिट. Similarly, in ventral region, a ventral caudal pit is there. The depression is there. This is on tail region, caudal fin. Mouth ho gaya bacho, ventral ho gaya. Aur ye dekh rahe bacho, on head region pe, kya dekh rahe bacho? 1, 2, 3, 4, 5 pairs of. It means on both sides, externally, 5 pairs of gill slits. The branchial apertures are there. But in case of हमने bonefish labio की बात करें तो हमने कहा the gill slits, the apertures, branchial apertures are not visible externally because these are covered by gill cover, the gill operculum. But in case of cartilaginous fish, the external gill slits are open without any operculum. ये देख रहे बच्चों, entire skin of scoliodon, the cartilaginous fish. It is dry, it is rough. As it possesses, these are very important structures. एक एक point competition के लिए note करें बच्चों, these are placoid scales, but in case of labio, in case of bonefish, the scales are cycloid. आज देख रहे बच्चों, these are placoid scales. क्या importance है उसकी? 1, 2, 3 means tridont, triradiant. Spine is there, and on basal part a basal plate is there. It is rhomboidal, and this basal plate possesses a central cavity that is pulp cavity. ये बच्चों बहुत important lecture, उसके साथ ये classification दे रखी हमने scoliodon, the phylum chordata, subphylum vertebrata. ये देख रहे class chondrichthyes. आज बच्चों cartilaginous fish discuss कर रहे हैं. ये देख रहे सब क्लास इलास्मोब्रैंकाई, ओल्डर कार्कारिनीफॉर्मेस एंड द फैमिली कार्कारिनिडी. हम डिस्कस करें बच्चों स्कॉलियोडॉन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर डाइजेस्ट सिस्टम,
कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।